कोरोना महामारी के मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाला हर व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आमजन की जीवन की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाया हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने कार्यकर्ता और वर्कर को सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन जनपद गाजीपुर स्वास्थ्य विभाग की सबसे निचली इकाई आशा वर्कर, जो गांव-गांव घूमकर कोविड-19 के मरीजों को ट्रेस कर रही है और पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल किट भी पहुंचा रही है, लेकिन विभाग की तरफ से आशा वर्कर्स को सुरक्षा के लिए मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर नहीं दिया जा रहा है। और विभाग के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि इन सभी संसाधनों के साथ ही आशा वर्करों को फील्ड में उतारा गया है। इन बातों की जानकारी होने पर आज संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के घटक संगठनों में बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन, मात शिशु महिला कल्याण संघ, आशा वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज एक बैठक कर अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखा और बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के द्वारा फील्ड में कार्य करने वाले वर्करों को कोई भी सुरक्षा ठीक नहीं दिया जा रहा। दरअसल ये जो बैठक आज हम कर रहे हैं, सीएमओ अपने एक दिन बैठक कर रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि फील्ड में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे आशा हो या स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष हो, जो फ्रंटलाइन वर्कर है विभाग का, उसको सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, प्रथम लेवल की जो सुरक्षा के उपाय हैं वो किए गए हैं कि नहीं। उन्होंने बड़े दावे से कहा कि किया गया है। हमने कहा मुझे सूचना है कि नहीं किया गया है। उन्होंने कहा किया गया है। इसके बाद मैंने ग्राउंड रिपोर्ट चारों तरफ से ली तो पता चला कि जिलाधिकारी महोदय ने जो बैठक करके सुभाकरपुर PSC पे जो एक्शन लिया था, उसके चलते जिले के आसपास के जगहों पे तो कुछ सैनिटाइजर और ग्लव्स वगैरह ये उपलब्ध हुआ है, लेकिन सुदूर PSCयां जो हैं, जैसे जमानिया है, जखनिया है, मोहम्मदाबाद है, बदौरा है, रेवतीपुर है, ऐसी जगहों पर कर्मचारियों ने ये कहा कि कुछ नहीं मिल रहा है। जब मैंने जिलाध्यक्ष रेणु राजभर आशा संघ से बात किया, उन्होंने कहा, हमने कहा कुछ भी कहा सर, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने एक बैठक की ताकि हमारे लोग तो अमृत पी के खड़े नहीं हैं मार्ग में, सब लोग अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और हमारा कर्मचारी तो अमृत पिया नहीं है कि उसको कोरोना नहीं टच करेगा। आप जब PPE किट देकर भेजते हैं मेडिकल एम्प्लॉइज को, तो वो 3-लेयर प्रोटेक्शन किट है। वहीं मात शिशु एवं महिला कल्याण के जिला अध्यक्ष ने बताया कि उन्हें टीकाकरण के दिन आने जाने के खर्च एवं जलपान खर्च के लिए विभाग के द्वारा बजट दिए जाने की घोषणा किया गया है, लेकिन अभी तक जनपद के किसी भी टीकाकरण करने वाले वर्कर को आज तक ये बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले 3 दिन में कर्मचारियों को सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं हमारी आशा सहयोगिनी, हम लोगों को पिछले साल भी कोविड में काम कराया जा रहा था, सुविधाएं ना के बराबर दी गई थी। इस वर्ष भी कोविड में जब दूसरी लहर आई है और तीसरी लहर का चर्चा चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम लोग को फील्ड में तो उतार दिया गया है, लेकिन जिला स्तर से ब्लॉक स्तर से कोई सुविधा हम लोग को नहीं दी गई। ना मास्क दिया गया, ना सैनिटाइजर दिया गया है, और कोई भी आमूलचूल हम लोग को सुविधाएं दी ही नहीं जा रही हैं। हम लोगों से टीकाकरण कराया जाता है और शासन का आदेश है कि हर टीकाकर्मी को जो है 100 रुपया जलपान के लिए दिया जाए और 200 यात्रा भत्ता मानदेय दिया जाए, लेकिन हमारी बहनों को किसी को नहीं मिलता है, न भाइयों को। कह दिया जाता है कि जाइए आप यहाँ टीकाकरण करिए, वहाँ करिए, एक एक दिन में एक एक महिलाओं का दो दो तीन तीन जगह ड्यूटी लगा दे रहे हैं। अगला निर्णय क्या होगा आप लोग का? अगला निर्णय यही होगा कि हम 3 दिन का समय देते हैं। अगर 3 दिन के समय में अगर हमारे पूरे कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर, मास्क और साबुन अगर उपलब्ध नहीं पर्याप्त मात्रा में कराया जाता है, तो हम जिले पर इकट्ठा होकर के विरोध करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम ऐसे महामारी का विरोध करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी घर परिवार हैं, हम भी अपने परिवार के लिए जीते हैं, तो हमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। इधर आशा वर्करों ने भी बताया कि उन्हें विभाग के द्वारा कोई भी सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराया गया है, बल्कि वो स्वयं अपने बचने के लिए बाजार से मास्क खरीद कर अपनी ड्यूटी कर रही हैं या दुपट्टे का सहारा लेकर चेहरे को ढकने का काम कर रही हैं। मास्क आप क्यों नहीं पहनी? मास्क हम लोग को नहीं मिला है। आप हमारे ड्यूटी करते हैं, हमेशा फील्ड में घूमते हैं, लेकिन हम लोग को न मास्क मिलता है, ना ग्लव्स मिलता है, ना सैनिटाइजर मिलता है। बार बार हम लोग को ड्यूटी फील्ड में लगाई जाती है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिलता। हम लोग अपने से प्रयोग करते हैं, अपने से खरीदते हैं और लगाते हैं। आपको भी नहीं मिला है? जी नहीं, हम लोग
आप किस में हैं? कार्यकर्ता आशा बहु है क्या? कार्यकर्ता आशा बहु। अच्छा, आपको मास्क मिला है? नहीं, मास्क नहीं मिलता है। तो आपने लेके पहनी है? हाँ, खरीद कर पहनी। कुछ भी नहीं मिलता है, सैनिटाइजर भी नहीं मिलता है। फील्ड में काम करना है, मिलता कुछ नहीं। कोरोना वायरस के खिलाफ इंतजाम को लेकर योगी सरकार दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।